ता दिल्ली दी तिहार जेल तो बाहर दियां तस्वीरां ने मनीष सिसोदिया अज ही जमानत मिली सी सुप्रीम कोर्ट तो और उस तो बाद तिहार जेल तो बाहर आए ने और बाहर आके आप वर्करां वल्लों स्वागत किया गया है मनीष सिसोदिया का लाइव तस्वीर ने दिल्ली दी तिहार जेल तो कुछ कह रहे ने तिहार जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के वर्कर वड्डी गिनती च कट्ठे हुए ने समर्थकों का तांता लग्या और मनीष सिसोदिया का वेलकम किया जा रहा है। आतिशी जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने वो नजर आ रहे ने, संजय सिंह राज्यसभा MP वो पहुंचे ने मनीष सिसोदिया का स्वागत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो जमानत मिलने तो बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई है। दिल्ली तो असी लाइव तस्वीर दिखा रहे हाँ तिहाड़ जेल तो बाद बाहर और तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों का तांता लग्या। आम आदमी पार्टी के समर्थक वड्डी गिनती च पहुंचे ने। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल तो बाहर निकले ने। 2023 उन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी ते 17 महीने वह जेल के अंदर रहे ने। सो 17 महीनों बाद जमानत मिली है। काफ़ी टिप्पणियां इस जमानत देन मौके सुप्रीम कोर्ट वालों कीतियां गईयां ने, खास करके हेठलियां अदालतों नूं लैके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेठलियां अदालतां ईजी वे लभदियां ने, सौखा रस्ता लभदियां ने बचन दा और उन्हां नूं जमानतां ते फैसले लैने चाहीदे ने। इत्थों तक भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजिस वल्लों के सुप्रीम कोर्ट च जमानतों के केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहन लग पए ने, इस करके हेठलियां अदालतों नूं इस ते फैसले लैण दी जरूरत है। सो 17 महीने बाद तिहाड़ जेल दे विचों आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार झूठ सी जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा और संविधान बचाएगा और संविधान करेंगे। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बोलना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल से सामने टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी चले, जेल से सामने टूटेंगे, जेल से सामने टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के जो बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और थाना शहर तक भी पहुंचे कि कह कह के जेल में भले ही डाल लोगे लेकिन एक शख्स जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਲਕਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 17 ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ BJP 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ BJP 'ਤੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਤਾਈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ED ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਆ ਅਬ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਕੇ ਆਪਨੇ ਉਨਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਰੱਖਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ? ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਇਲੇ ਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੇਂ ਫਸਾ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਜਨਕ ਕੀ ਆਜ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਆਜ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਅਰਥ ਕਤਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਾਨਨੀਯ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨਨੀਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਘੋਟਾਲੇ ਪੇ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰਾ ਹੈ।
शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया नू जमानत देन दे नाल कुछ अहम टिप्पणियां भी कीतियां ने। उन्हें क्या है कि सिसोदिया सकत्रेत जा सकते ने, सीएम दफ्तर जानते भी कोई रोक नहीं, बिना ट्रायल सजा नहीं दिती जा सकती। हेडली अदालत च राइट टू स्पीडी ट्रायल की अनदेखी हुई। हेडली अदालत ने मैरिट ते बेल रद्द नहीं की। 18 महीने च भी ट्रायल शुरू नहीं होया, तुरंत सुनवाई दे अधिकार तो वांझा किया गया। जमानत नियम है ते जेल किसी किसी मामले च हो सकती है। मामले 493 गवाह ने, हजारा पेजा दे दस्तावेज ने, भविख च मामले की समाप्ति की कोई संभावना नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया समाज च सम्मानित व्यक्ति ने ते उन्हां दे किते भज्जन दा भी खदशा नहीं, पर नाल दो शर्तां भी लाईआं ते कहा कि सिसोदिया नूं अपना पासपोर्ट जमा कराउणा होएगा, नाल ही हर सोमवार ते वीरवार थाने च जाके हाजरी भी लगवाउणी होएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। ते मनीष सिसोदिया थोड़ी देर पहला, कुछ मिनट पहला तिहाड़ जेल तो बाहर निकले ने। वर्करां दा वड्डा इकट्ठ, आम आदमी पार्टी दे समर्थकां दा वड्डा इकट्ठ उन्हां नूं लैण पहुंचा सी। की कुछ किया इस मौके सिसोदिया ने, सुणदे हां। इतने दिनों बाद इतने दर्शन, जब से ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद इतने दर्शन बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। भारत में बाहर आए तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। भारत में बाहर आए तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। तो मनीष सिसोदिया वालों जेल तो बाहर आते ही निशाने साधे गए ने केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा कि जिसका भी तानाशाही रवैया होता है उसका ग्राफ हमेशा हेठा आता है और उन्होंने मूँह की खानी पैंदी है। ये गल मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। जेल तो बाहर आके उन्होंने स्वागत कबूलिया है आम आदमी पार्टी के वर्करों का, आगुआ का, और अरविंद केजरीवाल की जल्द रिहाई की उम्मीद मनीष सिसोदिया वालों जताई गई। ते गल डेरा सच्चा सौदा दी, डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम दी फरलो वाली अपील हुण हरियाणा सरकार दे पाले च है। हाई कोर्ट ने SGPC दी पटीशन दा निपटारा करदे होए ये फैसला, यानी फरलो देण दा फैसला हुण हरियाणा सरकार ते छड दित्ता। राम रहीम दी फरलो ते आखरी फैसला हुण हरियाणा दी सरकार ने ही करना है। हाई कोर्ट ने इस ते मोर ला दिती है। SGPC ने राम रहीम नू वार-वार मिल रही फरलो अते पैरोल ते इतराज प्रगट करदिआं हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई सी। कोर्ट ने दोवें धिरां दीआं दलीलां सुनण तों बाद फैसला दिता कि राम रहीम दी फरलो दा फैसला हरियाणा दी सरकार ने ही कानून दे मुताबक करना है। आज ये फैसला सुनाया है कि जो भी एक्ट
पैरोल एक्ट के तहत, गुड प्रिजनर एक्ट के तहत जो भी इनकी बनती है लॉ के अंडर आपने उनको वैसे ही जी 21 दिन की फरलो अप्लाई की हुई। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार तो अजिहे होर लोगों की लिस्ट भी मंगी सी जिन्हां नूं इस तरह की सहूलत दी गई है। राम रहीम वालों केस लड़ रहे वकीलों ने दावा किया कि राम रहीम नूं कोई भी सहूलत कानून के दायरे तो बाहर जाके नहीं मिल रही। कानून के तहत 10 सप्ताह की पैरोल और 3 सप्ताह की फरलो, 91 डेज लीगली कन्विक्शन के बाद 1 साल बाद फरलो ड्यू हो जाती है, 3 साल बाद 1 साल बाद पैरोल ड्यू हो जाती है, 3 साल बाद फरलो ड्यू हो जाती है। तो जो भी दी जा रही थी दैट वाज विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ, कानूनी दी जा रही। रेप अते कतल दे मामले दे विच रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच बंद राम रहीम नूं हुण तक 9 वार जेल दे विचों छुट्टी मिल चुकी है। सब तो पहला 24 अक्तूबर 2020 नूं एक दिन अते फिर 21 मई 2021 नूं एक दिन दी छुट्टी मिली सी। उस तो बाद 15 अक्तूबर 2022 नूं राम रहीम नूं 40 दिन दे लई जेल तो छुट्टी मिल गई। फिर 7 फरवरी 2022 नूं 21 दिन, 17 जून 2022 नूं 30 दिन अते 21 जनवरी 2023 नूं 40 दिन दे लई राम रहीम जेल तो बाहर निकलिया। इस तो बाद 20 जुलाई 2023 नूं 30 दिन अते 21 नवंबर 2023 नूं 21 दिन दे लई राम रहीम जेल तो बाहर आया सी। अते फिर इसे साल 19 जनवरी नूं राम रहीम नूं पूरे 60 दिन दे लई जेल तो छुट्टी मिल गई। राम रहीम ने एक बार फिर तो 21 दिन की फरलो लई अप्लाई किया है जिसते फैसला हरियाणा सरकार ने करना है। चंडीगढ़ तो उमेश शर्मा, न्यूज़18। एसजीपीसी चोणां दे विच जो वोटां बनाईयां जा रहीयां ने उन्हां दे विच गड़बड़ी दे इल्जाम लाए ने श्रोमणी अकाली दल ने, और इस नूं लै के बकायदा एक गुरुद्वारा चोणां दे चीफ कमिश्नर नूं शिकायत दित्ती गई है, एक लिखती शिकायत दित्ती गई है कि इस वोटर सूची दे विच जाली वोटां बनाईयां जा रहीयां ने। इल्जाम सरकारी पद्धर ते लगे ने कि सरकारी पद्धर ते वड्डी गड़बड़ी सामने आ रही है। सो अकाली दल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिता है कि सरकार की शह से जाली वोटा बनाईया जा रही ने। उन्होंने जांच तो बाद उन्होंने कहा कि दोषी अफसर जड़े ने उन्होंने कार्रवाई हो। दस दिए कि एस जी पी सी चोणों के लिए वोटा बनाए जाने की आखिरी तरीक जी है वह 16 सितंबर तक वधाई गई। तो चंडीगढ़ तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी के खिलाफ एक इलैक्शन पटीशन पाई गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पटीशन पाई है मनीष तिवाड़ी की चोण चुनौती दी गई और पटीशन दे विच इल्जाम ने कि मनीष तिवाड़ी ने गलत तरीके नाल चोण जीती। पटीशन बीजेपी के उम्मीदवार रहे संजय टंडन वालों दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि तिवाड़ी ने गरंटी कार्ड लाए भरवाए जो कि गलत सी, गरंटी कार्ड भरवा के उन्होंने वालों वोटर प्रभावित किए गए। बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय टंडन जी, उन्होंने एक इलेक्शन पटीशन डाली है। मनीष तिवारी हो या जो चंडीगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट थे और 2504 वोटों से जीते थे, जो एलिगेशन पटीशन के अंदर डाला है वो बेसिकली करप्ट प्रैक्टिस का डाला है। अब कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया लेवल पे और लोकल लेवल पर एक गारंटी कार्ड दिखाकर लोगों को ये लालच दी कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे तो आपको डिफरेंट स्कीम के अंदर पैसा मिलेगा। एक बड़ी पॉपुलर स्कीम के बारे में जिसमें 8400 पर मंथ की बात की गई, उसके मामले में फॉर्म भी भरवाए गए और वो सारा जो रिकॉर्ड किया उन्होंने खुद अपने, उनके वर्कर्स ने, उनके लीडर्स ने, वो अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया और एक्चुअली फॉर्म्स भी भरवाए गए और उसको फिर पार्टी के कैंडिडेट ने उसको एंडोर्स भी किया। तो ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई भी किया, ये करप्ट प्रैक्टिस। ते गल बजट सैशन दे विच हुई तलखी दी। बजट सैशन दे दौरान राज्यसभा दे विच अज जया बच्चन ते चेयरमैन जगदीप धनखड़ विचाले हुण तक तलखी देखण नूं मिली है, पर इजलास दे आखरी दिन इह तलखी इक वड्डे विवाद दे विच बदलदी नजर आई। बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के मुंहों यह शब्द निकलने की देर सी कि राज्यसभा मैंबर जया बच्चन नूं गुस्सा आ गया ते नाल लगदे ही जया बच्चन ने धनखड़ के बोलने के तरीके के सवाल चुक दिते ते कहा कि तुहाडी इह बोलण दी टोन मैनूं मंजूर नहीं। और सर आम तौर पर बहुत मजाकिया अंदाज दे विच दिखण वाले जगदीप धनखड़ का गुस्सा भी फिर सत्तवें आसमान ते सी ते तकरार जबरदस्त हुई।
मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे। आई डोंट वांट टू रिपीट, आई डोंट वांट स्कूलिंग। आई एम अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ द वे एंड यू से माई टोन। नो 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 शी गिव टू यू, नो यू डोंट अप्रूव, नो नो इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट, नो इनफ ऑफ इट, यू कांट हैव इट। पार्लियामेंट के अंदर तो पूरी गल स्पंज कर दिता गया पर मामला बाहर भी खत्म नहीं होया। सेलिब्रिटी वाले मुद्दे ते सोनिया गांधी दे नाल खड़े होके मीडिया नाल गल करते हुए जया बच्चन ने माफी दी मंग कर दिती। यू मे बी एनीबॉडी, यू मे बी अ सेलिब्रिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो नथिंग डूइंग, नथिंग, नो नो नॉट एट ऑल, आई विल नॉट बियर इट। हां ही सेड यू मे बी सेलिब्रिटी, आई डोंट केयर। I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. I need an apology. Bas. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. Jaya Amitabh Bachchan is the last. दरअसल पूरा विवाद जया बच्चन कहने तो शुरू होया पर शुक्रवार नु मौका पहला नहीं सी। इस तो पहला भी इस सेशन दे विच तलखी देखने नु मिल चुकी है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। डोंट वरी, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। इस मुद्दे ते सियासी पार्टियां दे आपो अपने तर्क ने पर इस सवाल जरूर है कि मामला सिर्फ नाम बोलण दा है जां वजह कुछ होर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। राज्यसभा चेयरमैन दे खिलाफ विरोधी धिर दी भी मोर्चा बंदी हुई है और जगदीप धनखड़ दे खिलाफ मोशन लियाउण दी तैयारी हो रही है। जगदीप धनखड़ नूं हटाउण दे लई विरोधी धिर मोशन लैके आएगी। संविधान दे आर्टिकल 67 दे तहत मोशन लियाउण दी तैयारी है। राज्यसभा दे विच दरअसल जया बच्चन ते चेयरमैन जगदीप धनखड़ दे विच जो तकरार हुई, सो धारा 67 दे तहत जिहड़ा है ये मोशन लियाउण दी तैयारी विरोधी धिर वल्लों की जा रही है। संविधान का आर्टिकल 67।